फाइटर जेट्स की दहाड़ से गूंज रहा है अरब सागर। हिंदुस्तान के समंदर में ये है आसमानी शक्ति का प्रदर्शन। ब्रिटिश सेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास में दिखा भारत का दम। आधुनिक तकनीक से लैस भारतीय सेना दुनिया में किसी से कम नहीं। जल थल और नभ में भारत की सैन्य ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है और ये तस्वीरें इस बढ़ती ताकत का सबसे नया सबूत है। ब्रिटेन का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ इन दिनों अरब सागर में मौजूद है। ब्रिटिश रॉयल नेवी भारतीय सेनाओं के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास कोंकण शक्ति को अंजाम दे रही है। ये भारत और ब्रिटेन का पहला ऐसा सैन्य अभ्यास है जिसमें जल थल और वायुसेना तीनों हिस्सा ले रही हैं। इस सैन्य अभ्यास में क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर की ताकत देखने को मिली। खास बात यह है कि भारत और ब्रिटेन के साथ साथ इस सैन्य अभ्यास से अमेरिका भी जुड़ा हुआ है। दरअसल अमेरिकन मरीन कोर F-35S ब्रिटिश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का स्थायी हिस्सा है। ये अमेरिकन मरीन ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ ही काम करता है। यही वजह है कि भारत के समंदर में चल रहे इस नेवल एक्सरसाइज में अमेरिका के F-35 विमान की ताकत भी देखने को मिली। F-35 विमान वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर पर वही फाइटर जेट्स कामयाब माने जाते हैं जो छोटे रनवे पर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सके। लेकिन F-35 विमान को तो रनवे की जरूरत ही नहीं। इस फाइटर जेट का इंजन इतना मजबूत है कि ये एक जगह से सीधा टेक ऑफ कर सकता है और हवा में एक जगह स्थिर रह सकता है। किसी हेलीकॉप्टर की तरह ये वर्टिकल लैंडिंग भी कर सकता है। F-35 जैसे विमान एयरक्राफ्ट कैरियर के ऑपरेशन में मील का पत्थर साबित हुए हैं, लेकिन वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की खूबी वाला ये अकेला फाइटर जेट नहीं है। ब्रिटेन में बना फाइटर जेट हैरियर दुनिया का पहला ऐसा जेट है जो एक जगह से टेक ऑफ कर सकता है। हैरियर की ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। इसी वजह से हैरियर ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका, इटली और स्पेन की वायुसेना का भी पसंदीदा फाइटर जेट बन चुका है। अरब सागर में मुंबई तट से करीब 150 मील की दूरी पर चल रहे कोंकण शक्ति संयुक्त युद्धाभ्यास का मकसद भारत और ब्रिटेन के बीच सैन्य तालमेल के साथ साथ आपसी संबंध को मजबूत बनाना है। ये अभ्यास इस बात का सबूत है कि दुनिया में अमन चैन के लिए भारत और ब्रिटेन एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में खास बात ये थी कि क्वीन एलिजाबेथ की टीम में भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक भी शामिल हैं। ये युद्धाभ्यास कितना अहम है इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि इसके लिए ब्रिटेन के तमाम बड़े सैन्य अधिकारी इन दिनों हिंदुस्तान में हैं। ब्रिटिश सेना भारत के साथ अलग अलग जगहों पर युद्धाभ्यास कर रही है ताकि हर तरह के हालात में दोनों सेनाओं के तालमेल बेहतरीन हो। क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर जेट के साथ साथ मर्लिन मार्क II हेलीकॉप्टर का भी संचालन होता है। भारत के सुखोई MKI फाइटर जेट भी इस सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। आगे चलकर इस युद्धाभ्यास में भारत की पनडुब्बी को भी शामिल किया जाएगा और दोनों सेनाएं समंदर में असल युद्ध जैसे हालात में अपनी ताकत को परखेंगी।